मगर एक बात बता दूं कि कांग्रेस का जब भी नुकसान हुआ है थोड़ा बहुत वो कांग्रेस के कुछ लोग ही कर जाते हैं। चाहे ज्वेलरी की कितनी ही डिजाइन्स बदलें, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है ग्राहकों का तनिष्क पर विश्वास। अब ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 6,000 से शुरू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। ठीक है कि हम भी कांग्रेस को तगड़ा करें और कांग्रेस की दोबारा इधर सरकार बनी, रिपीट हो। देखो एक बात है कि कांग्रेस ने, सरकार ने इधर अच्छे काम किए, जे किसी के मन में नहीं है, कोई ये नहीं बोलता कि काम सरकार ने इधर कोई गलत काम किया है, लोग खुश हैं। अगर एंटी इनकम्बेंसी तो कुछ ना कुछ लोगों की हो जाती है, वो आप भी जानते हैं, मगर फिर भी इस टाइम हमारे पास बहुत मुद्दे ऐसे हैं जो हम इलेक्शन में लेके जाएंगे और लोग उनको मानेंगे, तो कोई ऐसा चांस नहीं है हमारी सरकार पीट ना हो। कैंडिडेटों का फैसला तो हाई कोर्ट ने करना है, हमारी ड्यूटी ये है कि हम आप लोगों से मिले कि आज लेट हो गए, आज तो इसीलिए इकट्ठा मीटिंग कर ली, मैं बाद में फिर आऊंगा और इंडिविजुअल क्षेत्र के लोगों से, अलग अलग के लोगों से मिलेंगे। और हमारा काम भी यही है कि जो लोग चाहते हैं उन लोगों के नाम हाईकमांड को बताएंगे, फैसला तो उन्होंने करना है। सर्वे भी इधर चल रहा है, ये तो पार्टी फैसला करेगी कि इन्होंने इलेक्शन लड़नी है या नहीं लड़नी। मगर एक बात बता दूं कि कांग्रेस का जब भी नुकसान हुआ है थोड़ा बहुत वो कांग्रेस के कुछ लोग ही कर जाते हैं, ये सच्चाई है। अगर कांग्रेस एकजुट होकर लड़े तो कांग्रेस हार नहीं सकती, और हमें सबको इस बात का मान है कि हम लोग उस पार्टी के मेंबर हैं जो सेक्युलर सोच रखती है, और सेक्युलर सोच रखने वाले लोग हिंदुस्तान में ज्यादा गिनती में हैं। बीजेपी जो हथकंडे बनाती है, जैसे प्रताप सिंह जी ने बताया था कर्नाटक में जो उन्होंने किया, तो भगवान ने ही देखा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, उन्होंने फैसला किया। और इधर भी अब जो इलेक्शन आ रही है, इधर आपकी है, मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में है, और बाद में हरियाणा की भी आएगी, पर वो पार्लियामेंट के बाद है। मगर ये मेरे को किसी ने बताया नहीं, पर जो मैं समझता हूं कि बीजेपी कर्नाटक की हार के बाद बहुत कुछ सोचने लगी,